सावन के महीने में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट पर भोलेनाथ की भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। मंत्री सिलावट सावन में महादेव की भक्ति करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। निपानिया में मंत्री सिलावट ने कावड़ अपने कंधों पर थाम कर हर हर महादेव का जयकारा बुलंद किया। देखिए खास रिपोर्ट। भोलेनाथ की भक्ति में लीन हुए कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट। सावन के महीने में मंत्री सिलावट की शिव भक्ति। कावड़ यात्रा में मंत्री जी ने उठाई कावड़। आस्था एवं विश्वास की लगातार दूसरे वर्ष भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन। सावन महीने में भोले के भक्तों पर बाबा का रंग पूरी तरह से चढ़ चुका है। इंदौर में इसका एक नजारा निपानिया ग्राम में आज देखने को मिला, जहां वार्ड क्रमांक 36 में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट खुद कंधे पर कावड़ रखे हुए यात्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यात्रा में हजारों की संख्या में बाबा महाकाल के भक्तगण शामिल हुए। यात्रा रविवार को 12 बजे शुरू हुई और करीब 3 घंटे बाद 2 किलोमीटर का सफर तय करते हुए भव्य स्वरूप में श्रीनाथ पैलेस स्थित चंद्रमौलेश्वर शिव मंदिर पर पहुंची, जहां पर भोले भंडारी बाबा महाकाल का जलाभिषेक मातृ शक्ति और भक्तों के द्वारा किया गया। यात्रा में इस बार उज्जैन से खास ढोल डमरू बजाने वाले दल को बुलाया गया था, जिन्होंने यात्रा में बाबा महाकाल की सवारी जैसा आनंद ला दिया। यात्रा में कांवड़िए भगवा रंग की पोशाक में शामिल हुए। यात्रा में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि इंदौर में जिस तरह से कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, उसे देखकर लगता है कि सनातन धर्म सभी के लिए प्रेरणा बन रहा है और हमें भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, उनका प्रेम मिले और इंदौर लगातार तरक्की करे, यही मेरी सभी से कामना है। हमारे पार्षद जी और यहाँ के सभी वरिष्ठ मां शक्ति, पूर्व मंडल अध्यक्ष जी, वर्तमान मंडल अध्यक्ष जी, इनके सबके नेतृत्व में एक पावन धाम से कांवड़ निकल रही है और भगवान महाकाल से, महादेव से ये प्रार्थना करते हैं, वर्षा अच्छी हो हमारे राज्य का, हमारे प्रदेश का, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास हो, प्रगति हो, यही प्रार्थना करकर हम कांवड़ यात्रा निकालते हैं। भव्य कांवड़ यात्रा के आयोजक, संयोजक एवं निवेदक और वरिष्ठ पार्षद सुरेश कुरवाड़े ने बताया कि ये नंदीश्वर कांवड़ यात्रा का दूसरा वर्ष है। इस बार यात्रा में हजारों की संख्या में मातृ शक्तियां भी शामिल हुई एवं 2 किलोमीटर तक पैदल कांवड़ लेकर चली। पूरी यात्रा के दौरान जगह जगह पर रहवासियों के द्वारा कांवड़ियों का स्वागत किया गया, जिसे देखकर कांवड़िए उत्साह से भरपूर नजर आए। एक वार्ड क्रमांक 36 की जो हमारे यहाँ के लोकप्रिय पार्षद है सुरेश कुरवाड़े जी, एक बहुत ही अच्छा आयोजन करते कांवड़ यात्रा का, और यहाँ पे हजारों की संख्या में मातृ शक्ति यहाँ से कांवड़ लेकर के दूसरे मंदिर पे जाकर के शंकर जी का अभिषेक करते, जैसे लास्ट टाइम हम अलग जगह से लेकर के समापक मंदिर में समापन करके वहाँ पे दूधाभिषेक वगैरह बहुत अच्छे तरीके से किया था। और ये क्या है, बादशाह जी ने एक नई पहल करी है कि हर वार्ड 36 के सभी मंदिर को, मतलब एक जागृत करने के हिसाब से हर अलग अलग जगह से, जैसे इस बार पावन धाम चुना है, अगली बार हो सकता है हरे कृष्णा विहार, तो सभी मंदिर से मतलब उनका ये कायाकल्प आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, जो हरियाली और ये पूरे पेवर्स और ये पूरा मंदिर का जो आप प्रांगण देख रहे हैं, ये इन्हीं के द्वारा थोड़ा सा सुशोभित किया गया है। तो उनका ये इच्छा है कि जितने मेरे 36 में जितने ही मंदिर आए, सबको एक जैसा एक
एक क्लास बना करके रहूं मैं, और ये इनकी इच्छा है और उसका हम समर्थन करते हैं। माननीय मंत्री हमारे तुलसीराम सिलावट जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा कार्य हमारे सुरेश भैया कर रहे हैं, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ये वार्ड क्रमांक 36 की माननीय पार्षद सुरेश सिलावट जी के आने के बाद में दूसरे वर्ष यात्रा है, और यात्रा को बहुत भव्य स्वरूप से हम यहाँ निकालने वाले हैं। इसमें जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी भी सम्मिलित होंगे, और पार्षद जी के सहयोग से पूरे वार्ड में बहुत अच्छा विकास हुआ और सारे मंदिरों का जीर्णोद्वार हुआ और नए नए मंदिरों की भी हमें दर्शन करने के लिए लाभ प्राप्त हुआ। और इस अभी यात्रा प्रारंभ होने वाली है, इसमें हाथी घोड़े बैंड बग्घी और सभी माता बहनें सभी भक्त डीजे ढोल ताशे के साथ में हम बहुत पावन धाम से श्रीनाथ धाम तक इस भव्य यात्रा को निकालने वाले हैं। आज का आयोजन ये है कि मंदिर से मंदिर जोड़ने की भूमिका में हमने कांवड़ यात्रा निकाली है, जिसमें हमारे पार्षद जी सुरेश कुड़वाले जी ने ये भव्य प्रोग्राम आयोजित किया है मंत्री जी तुलसी सिलावट जी के नेतृत्व में, और हम सभी महिला मोर्चा में गीता राठौर महामंत्री की पद पर हूँ, और यहाँ पर जो सभी महिलाएं हैं, कम से कम 10 कॉलोनियों की महिलाएं, कम से कम 500-600 लागत में महिलाएं आई है, और वो सब महिलाएं अपनी श्रद्धा भक्ति से कांवड़ उठाएगी और कांवड़ लेकर आगे तिरुपति पैलेस, गोयल एवेन्यू, अमृत पैलेस और श्रीनाथ पैलेस में ये यात्रा खत्म होगी। और हम सभी की ये हार्दिक इच्छा है कि ये सालों साल परंपरा चलती रहे। पिछले साल भी भव्य बहुत ही बड़े आयोजन में कांवड़ यात्रा चलाई गई। क्या है, महाकाल के जो शोभा यात्रा निकलती है, मतलब सवारी निकलती है, उसके स्वरूप भी हमने सोचा कि हमारे में भी अच्छा है, लोगों को देखने का आनंद आए, और ये देखने के बाद वापस में महाकाल जाए दर्शन करने, तो वो भी बोले कि यार अपने इधर भी आए थे ये लोग। क्या भावना रहती है कार्यक्रम? एक आस्था रहती है भगवान के प्रति, और सावन माह का समय चल रहा है, सबको आनंद में पर्व है, ये सब भोले का प्रसाद ग्रहण करेंगे और धूमधाम से शोभा यात्रा निकलेगी। मंदिरों को जो आप जोड़ने का काम कर रहे हैं, इससे क्या समझते हैं? क्या यहाँ पर जब आया था, जब यहाँ पे कोई मंदिर नहीं थे, 8-10 जगह पे बगीचे गार्डन है, कुछ स्थान है, तो मेरे को सब लोगों ने यहाँ के बोला कि आप मंदिर का निर्माण कराओ, तो हमने मंदिरों का निर्माण कर अभी तक 10 मंदिर हम बना चुके हैं। माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी का उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहता है, तो उसी आधार पर रहता है कि सब धार्मिक भावना बनी रहे और अपने सनातन धर्म की परंपरा जो कायम है वो कायम रहे। यहाँ पर जो लोगों का सहयोग है वो किस तरह से मिल रहा है इस पूरे कार्यक्रम में, और वैसे भी नॉर्मली किस तरह से लोग सहयोग कर रहे हैं? बहुत सहयोग करते हैं यहाँ पे लोग, अभी कोई भी कार्य के लिए मना नहीं करते, तन से मन से धन से सब प्रकार से सहयोग करते हैं। इस बार यात्रा की थीम इंदौर को ग्रीन इंदौर बनाने और सामाजिक समरसता बनाने की रखी गई। इंदौर को स्वच्छ इंदौर के साथ ग्रीन इंदौर बनाने के संकल्प के साथ यात्रा प्रारंभ की गई। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत शर्मा, विक्रम सिंह राठौर, नरेंद्र यादव, सज्जन सिंह कुशवाहा, संतोष राठौर, वार्ड प्रभारी सिब्बू चौधरी, वार्ड क्रमांक 36 के अध्यक्ष हरिकृष्ण गुप्ता, लोकेंद्र सिंह और रूपेश मालवीय खास तौर पर मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।